हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जय सीएलसी। माइसेल्फ किशोर शेखावत, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। और आज मेरे साथ हैं मनीष सर। हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? तो आज की क्लास में, आज गुरुनीति में हम लोग रे ऑप्टिक्स 2 डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल। और जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे कुछ क्वेश्चन अपन ने सेलेक्ट किए हैं। और जैसे आपको पता है, हमने फर्स्ट में भी बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरी को बिल्कुल साथ साथ लेते हुए डिस्कस किया था। तो वही तरीका है, वही मोड ऑफ आपका टीचिंग है, लेते हुए हम आज उसमें बढ़ेंगे। तो सर शुरू करें। हाँ सर, तो हम लोग ने इसमें मेनली जो लेंस है उस पे क्वेश्चन हैं वो लिए हुए हैं। लेंस जैसे इससे पहले वाले में हमने जो बेसिक आपका रे ऑप्टिक्स है उस पे काम किया था, अब इसमें मेनली है लेंस का पूरा खेल। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, टू थिन कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। तो जो फर्स्ट लेंस है इसकी इधर रखी अपने को फोकस लेंथ 30 सेंटीमीटर और इस वाले की इधर रखी हम लोगों को 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको मालूम है लेंस की जो प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की फोकस लेंथ हुआ करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और दर्पण की एक ही होती है, मिरर की एक हुआ करती है। तो जो भी है वो देखेंगे अपन इसमें क्या होता है। और इन दोनों को 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अपन रखा हुआ है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन आपको दिख रहा है ये डिस्टेंस है वो है 50 सेंटीमीटर। ओके, अब क्वेश्चन करें, ए पैरेलल लाइट बीम ऑफ डायमीटर डी इज इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट लेंस। जो ये इस पे रेस गिर रही है इनका जो डायमीटर, जैसे मान लो ये पूरी एक बीम इस तरह से फोकस हो रही है और इसका डायमीटर अपन ने क्या मान लिया, डी मान लिया, दे रेखा मान क्या लिया। और फिर ये कह रहा है कि अगर इस प्रकार की कोई समांतर बीम जिसका डायमीटर डी है वो फर्स्ट लेंस पे गिर रही है, देन फाइंड डायमीटर ऑफ द बीम कमिंग आउट फ्रॉम द सेकेंड लेंस इज। तो दूसरे से जो बीम आउटपुट होगी, निकलने वाली होगी, उसका डायमीटर कितना वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, इसकी फोकस लेंथ है 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो रे यहां से जा रही है, देखो इसकी 30 और 20 दोनों के बीच गैप कितना, 50 का है। तो रे किस तरह से ये आफ्टर 30 सेंटीमीटर ये फोकस होगी। मान लो यहां देखो आप इस पॉइंट पे, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 50 सेंटीमीटर और इसका 30 सेंटीमीटर, तो ये रे जो है वो इस तरह से यहां पर फोकस होंगे। देखो इसमें ये डिस्टेंस है वो कितनी आपकी 30 और ये डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर अब देखो, ये जो आपका 20 सेंटीमीटर है तो ये जो आपका पॉइंट जहां इसकी इमेज फर्स्ट लेंस की जो इमेज बन रही है वो सेकंड के लिए एज एन ऑब्जर्वर करेगी और वो डिस्टेंस कितना 20 सेंटीमीटर है, इसलिए रही हां वापस क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएंगी, ये होगी पैरेलल बीम होगी। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये मान लीजिएगा डायमीटर ऑफ बीम कमिंग आउट फ्रॉम द सेकंड लेंस कहलाएगा। तो हम लोगों को जस्ट बस यही फाइंड करना है, यानी ये जो डायमीटर आपका यहां से यहां तक का है ये डी डेस, ये आपको फाइंड करना है जिसमें आपको दे रखा है। तो अगर मान लो, अब देखो जैसे इसको अपन ऐसे मान लेते हो, मिला दें इसको, ये आपके पास दो ट्रायंगल बन गए, फर्स्ट और ये वाला सेकंड। अब ये ट्रायंगल सर कैसे हैं, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल, दोनों आपके हो गए सिमिलर, और सिमिलर होने पर, और देखो ये इसका एंगल ये इसके बराबर सब सेम ही है इसमें, तो इनका रेशियो इसके बराबर आएगा और इनका रेशियो इसके बराबर आएगा। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी 20 30, तो आराम से अपन ऐसे कर दें कि डी डेस बाई डी, डी डेस बाई डी डेस बाई डी, डी डेस बाई डी इज इक्वल टू, यानी डी डेस बाई डी और ये आपका 20 बाई 30, 20 बाई 30। तो ये देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो डी डेस हमारे पास आ जाएगा 2/3 डी। तो ये है सेकंड लेंस से निकलने वाले जो बीम है उसका डायमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्यों सर ये दोबारा? हाँ सर बिल्कुल। ओके, तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट के बाद सेकंड देखो, ये कह रहा है कि टू लेंसेज ऑफ पावर प्लस 12 एंड माइनस 2 डायमीटर्स डायोप्टर्स आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। दो लेंस है, दोनों को संपर्क में रखा हुआ है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो हमको इनकी जो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है वो पूछी है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे अपन दो लेंस लेते हैं,
दो लेंथ का जो अगर कॉन्टेक्ट में हो तो उनका जो कॉम्बिनेशन की फोकस लेंथ होती है वो अपन जानते हैं, वो होता है 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट मान लेता हूं, तो वो है आपका कितना 1 अपॉन एफ वन प्लस 1 बाई एफ टू, अगर वो कॉन्टेक्ट में है तब। अब इससे पावर हम लोग लिखते हैं तो पावर तो 1 अपॉन एफ ही होता है, बस ध्यान थोड़ा ही रखना होता है कि अगर हम एक तो बात करते हैं मिरर की और दूसरा बात करते हैं अपन लेंस की, तो मिरर में एक्चुअली क्या होता है कि उसकी जो पावर होती है वो इक्वल टू होती है माइनस का 1 अपॉन एफ, और जो लेंस है उसमें पावर कितना है पी इक्वल टू 1 अपॉन एफ है। यहां जैसे अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकस लेंथ कैसी पॉजिटिव होती है तो पावर भी कैसी पॉजिटिव होती है, या हम लोग कन्वर्जिंग जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग पावर को प्लस माइनस अपन सिंबल देते हैं, जो कन्वर्ज करता है उसको अपन मानते हैं पॉजिटिव पावर का, और जो डाइवर्ज करता है उसको मानते हैं कैसा नेगेटिव का पावर मानते हैं। तो यहां जैसे आपको मालूम है कि लेंस में जिसकी फोकस लेंथ आपकी पॉजिटिव है उसकी पावर भी कैसी पॉजिटिव है, पर इस वाले में अलग होता है, मिरर में आपका अलग होता है, जिसमें F जिसका प्लस होता है उसकी पावर कैसे आपकी नेगेटिव होती है। तो जैसे यहां कॉन्वेक्स की प्लस प्लस, कॉनकेव की माइनस माइनस, इसमें कॉन्वेक्स की F जैसे अपन देखें तो कॉन्वेक्स लेंस जो आपका कॉन्वेक्स जो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर आपका ये होता है, और इसकी F कैसी है देखो, F तो इसकी प्लस की है पर इसकी पावर कैसी है लाइट को डाइवर्स करता है, तो इसकी डाइवर्स प्रॉपर्टी कारण इसके एफ तो प्लस है पर इसकी पावर कैसे आपकी नेगेटिव होती है, तो ये आपको पहले बहुत ठीक से ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं यहां कई बातें और आपको सिखाता हूं जिससे कि आप कई और क्वेश्चंस से इसका फायदा उठा पाएं। तो देखो मिरर में ये पी हमने कहा माइनस का 1 अपॉन एफ है, अब जैसे मिरर में एक बात और जोड़ दो मैं कि जैसे अपन लिखिए माइनस का 1 अपॉन एफ होता है एक्चुअली आर बाई टू, और आर यहां पे होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, जबकि लेंस जो होता है उसमें P equal to 1 upon F जो अपन लिखते हैं तो ये होता है आपका कितना म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2, जिसको हम कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, सही बोल रहा हूं सर। तो P equal to 1 upon F equal to म्यू माइनस 1 और 1 upon आर 1 माइनस 1 upon आर 2। तो यहां आप कई बार ऐसे क्वेश्चन देखते हो कि एक दर्पण को हमने पानी में डुबो दिया या किसी ऑयल में ट्रांसपेरेंट मीडियम में डुबो दिया तो उसकी फोकस लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या लेंस को अपने किसी मीडियम में ट्रांसपेरेंट मीडियम में उसको अपने इमर्ज कर दिया तो वहां आपसे पूछता कि उसकी फोकस लेंथ है वो आपकी बदलती है या नहीं बदलती है, तो बिल्कुल पहले से फिक्स कर दो आप कि मिरर की फोकस लेंथ है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रही है, लेंस पर डिपेंड कर रही है, जो कि प्लस से माइनस या माइनस से प्लस सब कुछ पॉसिबल है, इन्फिनिटी पॉसिबल है, तो वो सब उनके जो सराउंडिंग मीडियम है उसके आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा। तो ये इस तरह से आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो जो भी है अब देखो अगर हमको यहाँ ट्रीट करना हो लेंस के लिए तो लेंस की तो पावर कितनी होगी, पी होगी, क्योंकि वहां तो प्लस का प्लस ही होता है, तो पी इक्विवेलेंट इक्वल टू अपन कर सकते हैं पी वन प्लस पी टू। यदि आपको करना हो मैग्निफिकेशन ग्रुप ऑफ लेंसेज के लिए तो वहां उसका जो मैग्निफिकेशन होता है टोटल जो होता है वो आपका है m1 into m2, ये दो के लिए है, तीन है तो आप उनको तीन भी ले सकते हो, तो इस तरह से आप इनको यूज करेंगे। अब यदि मान लो हमारे पास दो ही लेंस है तो इसमें आपको f निकालनी हो तो देखो f में अब इसमें यदि लपड़ा नहीं आप नोट कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो जैसे हमारे पास दो तत्व है उसका एलसीएम कितना f1 f2 आया, उल्टा करेंगे इसमें तो हमारे पास f जो इक्विवेलेंट आ जाएगी वो है f1 into f2 upon f1 plus f2। अब इनको साइन के साथ वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, लेंस कौन सा है, दोनों कॉन्वेक्स है, दोनों आपके कॉनकेव हैं, एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है, जैसा भी है उसकी f को जैसा सिंबल आपका है उसके अकॉर्डिंग आप लेते हुए सॉल्व करेंगे तो आपका आराम से आंसर आ जाएगा। अब देखो इसके सुन कोई बड़ा खेल है नहीं, यदि आपके पास पहले से पावर पड़ी है तो बिना पेन इसका आंसर आप इसको देखो, यहां दो पावर दो अपने पास लेंस है प्लस 12 माइनस का 12, तो मैंने कहा पावर नेट कितनी P1 plus P2 है, तो P1 plus P2 कितना प्लस का 10 आ गया। अब अगर हमारे पास इसकी पावर प्लस 10 आ गई यानी P को हमने लिखा P equivalent जो कि है P1 plus P2, तो प्लस का 10 माइनस का 2 हम लिखे तो प्लस का 10 डायरेक्टर आ गया 12 सॉरी, तो ये 12 माइनस 2 कितना हो गया 10 डायरेक्टर आ गया। अब देखो जो पावर मैंने कहा था वो कितना 1 upon F होता है,
यदि आपको एफ निकालनी है तो कितनी 1 अपॉन पी हो जाएगी, और डायरेक्टर में है तो ये आपकी एस आई सिस्टम में आएगी, तो मैं इसको लिखूं 1 अपॉन 10, तो एफ किस में, ये एफ आ गई मीटर में आ गई, बदलना सेंटीमीटर में, ऑप्शन आपको सेंटीमीटर में, तो देखो 1 अपॉन 10 मीटर को अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर आ गया ना, तो इस तरह से हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आप इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है सर, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखो यहां जो मैं कुछ बात पहले कर रहा था वो अब यहां आपकी आने शुरू हो जाएगी, तो इसमें ध्यान देना कि कभी भी दर्पण जो है मिरर है उसकी फोकस लेंथ मीडियम से प्रभावित नहीं होगी, लेंस की बिल्कुल प्रभावित होगी, प्रिज्म की प्रभावित हो जाएगी, जिसका म्यू पे डिपेंड करेगा ना वो हो जाएगा। और पावर वैसे कुछ है नहीं, पावर सिर्फ ये लाइट को बेंड करने की जो नेचर है वो पावर होती है, जो डिवाइस जो अपरेटस जितना ज्यादा लाइट्स को मोड़ता है उतनी उसकी पावर ज्यादा होती है। तो देखें ए बाइकॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ और एफ बाइकॉन्वेक्स लेंस जिसकी दोनों सरफेस कैसी है कॉन्वेक्स है और उसकी फोकस लेंथ है एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेस इज आर इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 दिस लेंस इज placed in a liquid of refractive index n2 now this lens will behave like ye kis tarah se behave karega to dekho iski baat puri aapko hum samjha dete hain jaise abhi apan ne likha tha lens ki jo power p hai usko apan likhe 1 upon f hamesha power ke roop mein yaad rakhta hai sare kisme ho jaye to ye aapka hai mu minus 1 into 1 by ye r1 minus ka 1 by r2 ye hamare paas formula hai इसमें जो म्यू होता है ये एक्चुअली लेंस का उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये एक्चुअली है क्या, जैसे म्यू को अपन देखें तो म्यू है क्या, म्यू यहाँ पे है म्यू लेंस मीडियम, यानी इसको अपन कहते हैं म्यू लेंस बाय म्यू मीडियम, लेंस का मीडियम के रेस्पेक्ट में। अब अगर मैं इसको लिखता हूं यहाँ पे देखो तो म्यू लेंस बाय म्यू मीडियम माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस का 1 बाय R2, तो अगर म्यू लेंस अपने मीडियम से ज्यादा का है तो ये प्लस का आएगा, प्लस का मतलब जिसकी P है वो प्लस की प्लस ही रह जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, परंतु अगर म्यू एल का वैल्यू म्यू एम से मान लीजिए कम हो गया तो आपका 1 से कम हो गया, 1 से कम होने माइनस उससे बड़ा हो जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा ना, तो जो लेंस पहले फोकस लेंथ पॉजिटिव का था वो अब नेगेटिव हो गया, जिसकी पावर पहले प्लस की थी वो माइनस की हो गई, अब जिसकी पावर प्लस की थी वो क्या आपका कॉन्वेक्स लेंस था, तो नेगेटिव होने पे कैसा कौन की बन गया ना, तो यहाँ क्या हो रहा है लेंस की नेचर आपकी बदल रही है, तो ऐसा भी संभव हो सकता है। और अब मैन ये है कि जैसे मान लो ये लेंस है और इस लेंस का जो मेटेरियल है मान लीजिए इसका म्यू आपको दे रखा है 1.5 है, इसका म्यू हम मान लेते हैं ऐसे, ये म्यू है मान लीजिएगा 1.5। अब जो सराउंडिंग है जिसमें इसको अपन रखे हुए हैं, मान लो सराउंडिंग में इससे मैं कहता हूं म्यू आपका मीडियम, म्यू मीडियम मैंने ऐसे ले लिया, मान लो एक तो मैं कहता हूं कि आपका 1.5 ही है, एक मान लो कहता हूं 1.3 है, एक मान लो 1.7 है, ऐसे मैं ले लिया। अगर मैं इसको म्यू 1.5 में या अपने बराबर ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में इसको मैं इमर्ज कर देता हूं, तो जैसे इसको अपन इमर्ज करेंगे तो दोनों बराबर हो गए, 1 - 1 कितना आपका 0 हो गया, तो 1 / f कितना 0, f कितना हो गया था पावर तो 0 हो गई, ध्यान दो p पावर 0 हो चुका है पर f तो उसका उल्टा ना, तो 1 / f 0 था तो f कितना 1 / 0 यानी इंफिनिटी हो गया। अगर इसकी फोकस लेंथ इंफिनिटी हो गई तो सामान्य एक पट्टी के रूप में प्लेट के रूप में ट्रांसपेरेंट प्लेट के रूप में काम करेगा, ये कन्वर्स डाइवर्ज नहीं करेगा, इसकी पावर कितनी हो गई 0 हो चुकी है। अगर हम इसको 1.3 में लेंगे तो म्यू एम आपका 1 से कम है या आपका उससे बड़ा वैल्यू है, ये प्लस का आएगा, 1 से बड़ा आएगा तो ये आपकी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव की नेगेटिव आएगी, तो ऐसे में लेंस की नेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेंस कॉन्वेक्स तो कॉन्वेक्स रहेगा, कॉनकेव तो कॉनकेव ही रहेगा, परंतु किसी लेंस को अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपेरेबल आप ज्यादा के म्यू में इमर्ज कर देंगे तो फिर उसकी जो पावर है प्लस से माइनस और माइनस से प्लस आ जाएगी और फिर लेंस की नेचर आपकी बदल जाएगी, बात क्लियर। तो ये इससे इस तरह से प्रभावित होगा, तो मेरे हिसाब से अब उसमें सर बताएं लेकिन क्या इसमें आपका आंसर आएगा। अब इसमें क्वेश्चन में ऐसा लिखा था कि उभयोत्तल लेंस फोकस दूरी एफ है, दोनों पृष्ठों के वक्रता त्रिज्या आर है, एन1 अपवर्तनांक वाले पदार्थ से मिलकर बना है, यानी लेंस का जो
अपवर्तनांक है वो n1 है और जिस द्रव में रखा गया है उसका अपवर्तनांक n2 है। यह लेंस व्यवहार करेगा उत्तल या अवतल लेंस की तरह जो केवल r पर निर्भर करेगा, केवल r पर नहीं n1 n2 पर निर्भर करेगा, केवल r पर नहीं। फिर लिखा है उत्तल लेंस n1 n2 पर निर्भर करेगा, n1 n2 पर तो निर्भर करता ही है, उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि n1 और n2 में ग्रेटर कौन सा है। अगर पहले ये उत्तल लेंस है और इसका लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जैसा कि सर ने बताया अगर ज़्यादा है तो फिर कोई बात नहीं है, उत्तल लेंस जैसा बिहेव करेगा, यानी कन्वर्जिंग लेंस जैसा और डाइवर्जिंग लेंस जैसा बिहेव करेगा। अगर उल्टा हो गया यानी सराउंडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया तब नेचर बदलता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है एक उत्तल लेंस n1 तथा n2 पर निर्भर करेगा ये तो सही है, ठीक लग रहा। फिर यहाँ लिखा है एक अवतल लेंस होगा n1 तथा n2 पर निर्भर नहीं करेगा, निर्भर करना चाहिए ना, तो ये गलत है। फिर इसमें लिखा है एक अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ इररेस्पेक्टिव ऑफ r n1 n2, मतलब r n1 n2 पे डिपेंड ही नहीं करता, ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सेकंड, बिल्कुल। तो देखिए सर की क्वेश्चन क्या कर रहा था, इसमें लिखा है स्क्वायर कार्ड ऑफ साइड लेंथ 1 मिलीमीटर इज बीइंग सीन थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्नीफाइंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, द कार्ड इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, द अपेरेंट एरिया ऑफ द कार्ड थ्रू द लेंस इज, मतलब ऐसा है कि वर्गाकार एक वर्गाकार इकाई का मान लो कोई प्लेट रखा है, उसकी भुजा दी हुई है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस पे रखा गया है 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि फोकल लेंथ से पास रखा हुआ है। अगर फोकल लेंथ से पास रखा है तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। अब हमें यह बताना है लेंस द्वारा कार्ड का निर्मित आभासी क्षेत्र, अगर भुजा पता है तो पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं इमेज की भुजा क्या होगी, उसके बाद क्योंकि वर्गाकार है स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्षेत्रफल भी मिल जाएगा। तो अब देखो बच्चों फोकल लेंथ यहाँ पर क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यू का मान क्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, माइनस में लेंगे ना -9 सेंटीमीटर, और लेंस कौन सा मैग्नीफाइंग लेंस यानी कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। अगर हम लोग आवर्धन निकालें तो सूत्र क्या होता है f by f plus u, ये u है, f by f plus u, म्यू नहीं है u है, ठीक है ना, u ऐसा कुछ सूत्र होता है। अब अगर आप मान रख दो f का मान 10 है और u का मान -9 है तो ये मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा 10, आवर्धन आ गया 10। इसका मतलब अगर 1 मिलीमीटर भुजा थी तो इसका 10 गुना यानी 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर हो जाएगी वर्गाकार जो इमेज बनेगी उसके लिए, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए। बिल्कुल बड़े आगे, बिल्कुल सर, देखिए सर क्या कह रहा है, सुनिए। इसमें लिखा है एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज फॉर्मड बाय जॉइनिंग, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन अवर्णक संयोजन, इसका मतलब क्या होता है जब हम लोग लेंस की बात करते हैं, ये एक लेंस है मान ले कन्वर्जिंग लेंस, अलग अलग कलर के लिए फोकल लेंथ अलग अलग होता है। अगर एक वाइट बीम इसको इंसिडेंट करवाए तो वायलेट कलर जो है वो पहले कन्वर्ज होगा, रेड कलर दूर कन्वर्ज होगा। तो अगर हम लोग इसको वायलेट मान लें इसको रेड कलर मान लें तो फोकल लेंथ ये वायलेट कलर के लिए होगा, यहाँ पर ये रेड कलर के लिए होगा। अलग अलग कलर के लिए फोकल लेंथ अलग अलग होता है और इस फेनोमेना को इस हम लोग क्रोमेटिक एबरेशन बोलते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही हाँ बिल्कुल, ठीक है बच्चों। तो ये क्रोमेटिक एबरेशन है। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जिसको एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कहते हैं। यहाँ पर देखो एक लेंस है कन्वर्जिंग लेंस,
इसी तरीके से अगर एक डाइवर्जिंग लेंस की बात करें तो डाइवर्जिंग लेंस में देखो एक रे ऐसे आ रहा है, अलग अलग कोण पर जाएंगे तो फोकल लेंथ भी अलग अलग हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसा कॉम्बिनेशन कर दें, दो लेंस है, एक का फोकल लेंथ एफ वन है, दूसरे का फोकल लेंथ एफ टू है, दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा रखें कि ये जो कलर था देखो वायलेट कलर पहले कन्वर्ज हो गया था, और अगर उसमें हम लोग ये अवतल लेंस कहलाता है कन्वर्ज, इसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं, दोनों को अगर मिला दें तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जिसमें हर एक कलर के लिए फोकल लेंथ सेम होगा। ठीक है, तो पहले तो ये आपको समझना है कि दो अलग अलग लेंस लेते हैं। अब एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए दो कॉन्वेक्स लेंस, दो कॉनकेव लेंस, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर कैसा होता है, क्या कंडीशन है, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, फिर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी इतना तो आइडिया लग गया ना कि एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स लेंस लेने से हमें एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, यानी आंसर तो आप कर सकते हो आसानी से। थर्ड क्या रिलेशन है, बाकी चीजें थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं। देखो बच्चों ध्यान देना, हम लोग मान लिया दो लेंस हैं, तो एक लेंस के लिए फोकल लेंथ F1 मान लिया, दूसरे लेंथ के लिए फोकल लेंथ F2, अगर दोनों को कॉन्टेक्ट में रखें तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऐसा रख सकते हैं। ठीक है, दो लेंस के लिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, पहले तो एक टर्म में कह रहा हूँ, देखो 1 बाई एफ जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है इसको ऐसे लिखते हैं, म्यू माइनस वन इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, इसमें ये टर्म तो बदलेगा नहीं। ठीक है ना, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग कलर के लिए फोकल लेंथ अलग होगा, ये जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ये भी बदल जाएगा। तो अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें क्या बन जाएगा, वन बाई एफ का माइनस वन बाई एफ स्क्वायर और डी एफ होगा यहां पर डी म्यू, और ये टर्म आएगा वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, ये तो वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो गया, दो समीकरण आ गए। अगर दोनों को डिवाइड कर दें, इसको हम लोग इक्वेशन वन मान लें, इसको इक्वेशन टू मान लें, टू डिवाइडेड बाय वन कर देते तो डी एफ एक तो टर्म आएगा, डी एफ एफ स्क्वायर है तो एक एफ नीचे आ जाएगा, कट जाएगा ना एक एफ, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, डी म्यू बटा म्यू माइनस वन, ये म्यू माइनस वन लिखा है, म्यू माइनस वन ऐसा पूछा गया। तो डी म्यू बाय म्यू माइनस वन को हम लोग डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं, किसी भी लेंस के लिए, किसी भी प्रिज्म के लिए। ये जैसे रेड कलर है, रेड कलर का अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, वायलेट कलर है इसका अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, ओमेगा को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ओमेगा इज इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस वन, ऐसा। तो इस तरह का है ये ओमेगा डिस्पर्सिव पावर है। यहां पर डी एफ, ये जो माइनस डी एफ है इसको हम लोग ओमेगा इंटू एफ लिख सकते हैं, ये एक सूत्र आ गया। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हमें चाहिए तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे यहां पर डिफरेंशिएट किया था वैसे ही डिफरेंशिएट करके यहां पर एक रिजल्ट आएगा। देखो क्या लिखेंगे, माइनस डी एफ वन बटा एफ वन स्क्वेयर माइनस डी एफ टू ओवर एफ टू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस डी कैपिटल एफ ओवर एफ स्क्वेयर। अब एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब ये डी एफ जीरो होना चाहिए, हर एक कलर के लिए जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो सेम होना चाहिए, यही है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। तो डी एफ को यहां पर जीरो लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, देखो ये जो डी एफ वन है ना, माइनस डी एफ वन को ओमेगा एफ लिख सकते हैं क्या, ओमेगा एफ लिखते हैं, कलर ब्लैक करो सर। देखो बच्चों अब यहां पर ये माइनस है तो ओमेगा वन एफ वन और नीचे एफ वन का स्क्वायर, फिर प्लस ओमेगा टू एफ टू डिवाइडेड बाई एफ टू स्क्वेयर, ये तो जीरो के इक्वल हो जाएगा, एफ वन एफ टू को काट दें हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा, ओमेगा वन बाई एफ वन प्लस
ओमेगा 2 बाई एफ 2 इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का। अब ध्यान देना, दो अलग अलग लेंस है, ओमेगा या प्रिज्म हो, कुछ भी हो सकता है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ये डिस्पर्सिव पावर है, जिस ग्लास से इंस्ट्रूमेंट बना है उसकी प्रॉपर्टी है, जो हमेशा पॉजिटिव होती है। ओमेगा कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, ये दोनों पॉजिटिव है, यानी F1 और F2 में से किसी एक को पॉजिटिव किसी दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये जीरो हो पाएगा। इसको मैं और लिखता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ओमेगा 1 बाय F1, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस ओमेगा 2 बाय F2। अब यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आ गया ना, अब आप अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि ओमेगा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि F1 और F2 का नेचर अपोजिट होगा। अगर एक लेंस हम लोग कॉनकेव यूज करें तो दूसरा कॉन्वेक्स यूज करना पड़ेगा, तभी हमारे पास एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन आएगा। तो इस क्वेश्चन में जो था, एक लिखा था एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स, वही होगा, ये तो पहले क्लियर हो गया। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 से हमें एक और रिलेशन मिलता है। देखो, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इक्वल्स टू माइनस एफ 1 बाय एफ 2। ये तो माइनस साइन सिर्फ इस बात को बता रहा है कि कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, जो भी है। एफ 1 और एफ 2 का जो रेशियो है, इससे आपको समझ में आ जाएगा, जिस लेंस का डिस्पर्सिव पावर ज्यादा है उस लेंस का फोकल लेंथ भी ज्यादा होना चाहिए। तो दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ये कि लेंस का नेचर अपोजिट होगा, एक कॉनकेव लेंस दूसरा कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, जिस लेंस के लिए डिस्पर्सिव पावर ज्यादा है उस लेंस के फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तभी एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हो पाएगा। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं, यही क्वेश्चन था जो जिसका हमने ऑप्शन नंबर, इसको मिटा देते ना, हाँ ऑप्शन नंबर 3 तो पहले ही बता दिया था, अब आपको अच्छे से समझ में आया। हाँ, बिल्कुल, बहुत शानदार तरीके से बता दिया लोगों ने, बस ये थोड़ा सा एक आउटर लेंस ही आपका है, प्लेन मिरर, ये मिस्टेक है, समतल, यहाँ इसके अनुसार दोनों ही रहते हैं आंसर हिंदी मीडियम के अनुसार, तो ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन आपका है, समतल दर्पण हो जाएगा तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बढ़े आगे, तो ये भी आप देख लें क्योंकि उसी से रिलेटेड है, बताते हैं आप। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फॉर रेड एंड ब्लू लाइट्स आर 100 सेंटीमीटर एंड 96.8 सेंटीमीटर। अलग अलग कलर के लिए अलग अलग फोकल लेंथ दिया हुआ है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल, हम लोग एक काम करते हैं, ऐसा लिख देते हैं बच्चों, देखो 1 बाई एफ ये होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2। अगर लेंस फिक्स्ड है तो ये टर्म बदलेगा नहीं, अलग अलग कलर के लिए एफ जो है वो म्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। जब हम लोग बात करते हैं डिस्पर्सिव पावर की, तो डिस्पर्सिव पावर ये होता है म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई, और म्यू वाई को म्यू वी और म्यू आर का एवरेज ले सकते हैं हम लोग, माइनस 1, ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ पर म्यू वाई लिखते हैं येलो कलर के लिए, ऑलमोस्ट जो मीन यहाँ पर डेविएशन होगा उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, इसको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे, म्यू वी माइनस 1 फिर माइनस म्यू आर माइनस 1। यहाँ पर जो ये टर्म है ना, हाफ को अगर कॉमन ले लें तो कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, म्यू वी माइनस 1 फिर प्लस म्यू आर माइनस 1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो एक टर्म तो म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 आ जाएगा, दूसरा टर्म माइनस हाफ यानी माइनस 1 आ जाएगा। इस तरीके से लिख दिया, अब ये वाला जो टर्म है 1 बाई एफ के प्रोपोर्शनल होता है, आप अगर वैल्यूज को लिखोगे या 1 बाय r, तो ये ऐसे बन गया क्या, हाँ f v माइनस f r 1 उल्टा आ जाएगा, 1 बाय f v लिख देंगे, 1 बाय f 1 बाय f उल्टा हो गया मतलब, हाँ सर 1 बाय f v लिख देते हैं, यहाँ पर 1 बाय f v और यहाँ पर 1 बाय f r,
फिर ये हाफ हो जाएगा 1/FV + 1/FR। अब वैल्यू दिया है, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर सॉल्व करने के बाद ऐसा आ जाएगा। कैलकुलेशन है, बाकी बहुत ज्यादा लेंदी आपको लगेगा नहीं, क्योंकि एक तो 100 है। इसका जैसे मुझे एक याद आ रहा है फॉर्मूला, जैसे अपन इसकी जो डिस्पर्सिव पावर कहते हैं FV और FR में से, इसमें देखें तो हमारे पास दो हैं, एक तो है रेड की, एक है ब्लू की, तो इसको अपन लिखें FR माइनस FB अपॉन F जो येलो माइनस वन, ऐसा कुछ होता है क्या? जो एवरेज इसकी पावर होती है फोकस लेंथ, और जो F जो एवरेज होता है साइड रूट ऑफ FR इनटू FB। तो हमारे पास जैसे ये दो फोकस लेंथ अपने पास अवेलेबल है, इसे पर निकाल लें एवरेज कलर की, तो ये एवरेज आ जाएगा, और ये दोनों पड़े हमारे पास, इसमें डिफरेंस करके अपन इसमें डिफरेंस करके भाग दें तो शायद अपना आंसर आ सकता है। तो देख लें जैसा भी, दोनों में से ट्राई कर लेंगे आप तो आंसर आपको मिल जाएगा। इसमें तो डायरेक्ट आपको पुट करना है, कैलकुलेशन है बाकी तो। हाँ, जो भी है इससे भी देख लें आप, यहाँ पर भी है, ये पर भी है, इसमें भी। ये बच्चे से अपने जो बुक्स में ये फॉर्म शायद मुझे याद आ रहा है, ऐसे काफी दिन पहले देखा था एक बार, तो देख लें आप, दोनों से आप कर लेंगे आंसर आ जाएगा। बढ़ेंगे सर, तो अगला क्वेश्चन कह रहा था रेडियस ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज, द रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स प्लेनो, तो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी एक सरफेस कैसी है समतल है, और उसका दे रखा है अपने को आर कितना 20 सेंटीमीटर, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटल ऑफ द लेंस इज 1.5। बिल्कुल ठीक है, कांच से बना हुआ है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी है वो अपने को पूछी जा रही है। तो देखो इसमें आपको थोड़ा सा सिखा दें, अभी जो हम बार बार लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो 1/F जो होता है वो है कितना, देखो म्यू माइनस 1 × 1/R1 − 1/R2 ऐसा होता है। तो अगर हम लोग लेंस यूज करें बाय भी कौन से, दो तरह के, एक तो मान लीजिए अपन लेते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस, एक अपन ले बाय कॉनकेव लेंस। बाय कॉनकेव या कॉन्वेक्स का मतलब है दोनों सरफेस आपकी कैसी है, सेम नेचर की है, या तो कॉन्वेक्स है कौन सी आपकी कॉनकेव है, और सेम रेडियस की है, मान लो सेम, मैं मान रहा हूं सेम रेडियस की, मोस्टली क्वेश्चन उसी पे टिक रहते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप बाय कॉन्वेक्स लेंगे तो इसके दोनों सरफेस से इस तरह से व्यू आएगा लेंस, और ये सरफेस इस तरह का आपका लेंस आ जाएगा। और मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और इसकी, जैसे इसकी आपकी वैसे अपन लेंगे तो राइट लाइट को मान लो मैं यहां से करता हूं इंसिडेंट, तो R1 आपका प्लस हो गया, R2 माइनस का हो गया, इस वाले में लाइट मान लो यहां पर करते हैं इंसिडेंट, तो इसके R1 आपके नेगेटिव, R2 प्लस की वैल्यू पुट करके आप इसका जो फॉर्मूला बनाओगे, तो मैं इसका कंबाइंड रूप में आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। जैसे हमारे पास है ये 1/F, अच्छा चलो इसमें काम और सिखाता हूं, आपने इसकी 1/F मान लो निकाल ली, तो अगर आप इसकी 1/F निकालोगे ना तो 1/F ही तो पावर होती है, और ये जो फॉर्मूला आपको मिलेगा वो मिलेगा, देखो मैं इसको कंबाइंड लिख रहा हूं, तो प्लस माइनस देखो 2 × μ − 1/R, ये आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। अब ध्यान ही देना है कि जैसे अपन जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर और फोकस लेंथ कैसी प्लस की होती है, और जो कॉनकेव होता है उसकी पावर और फोकस लेंथ कैसे आपकी नेगेटिव होती है। तो आप अगर इसमें यूज करते हो बाय कॉनवेक्स, तो उसका 1/F या उसकी जो पावर है कितनी है प्लस की 2 μ − 1/R है, और आप यूज करते हो बाय कॉनकेव तो उसमें कितना आ जाएगा, ये आपका माइनस का 2 μ − 1/R आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन के बाद आती है। अब सुनो कि जैसे
अगर मैं इसको दो पार्ट्स में कर दूं डिवाइड, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो जैसे इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो दो पार्ट में डिवाइड करते ही इस दो को आप हटा देना। अगर कंप्लीट है, बाई कॉन्वेक्स है, बाई कॉनकेव है, तो दो इसके साथ रहेगा। यानी कुल मिलाकर के कहना मैं चाह रहा हूं कि आपको सिर्फ ये एक फॉर्मूला है उसको याद रखना चाहिए, और उसके बाद ये किस तरह से काम आता है वो उसको ढंग से आप खुद पे अप्लाई करोगे तो फिर ज्यादा आपका अच्छा रहेगा। तो अगर ये पूरा काम कंप्लीट आपका बाई कॉनकेव बाई कॉन्वेक्स है तो बस कॉन्वेक्स है तो प्लस का टू आएगा, ये है तो आपका माइनस का आ जाएगा। यदि इसके दो पार्ट अपन कर देंगे तो दो पार्ट जैसे अपन करेंगे तो फोकस लेंथ तो क्या होती है बढ़ जाती है और पावर आपकी घट जाती है। पावर उसमें तो पावर कम करने के लिए टू हटा दिया और ये वन अपॉन एफ है, वन अपॉन एफ। चलो इसमें काम और देखें, अगर ये लेंस आपके कास्ट से बने, यदि यदि लेंस मान लीजिए ग्लास से बने, तो कांच से अगर बने होंगे तो उसका म्यू कितना हो जाएगा 1.5, ये तो आपके स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर 1.5 इसका म्यू है तो आप उसको लिखेंगे 1.5 माइनस का 1 तो 0.5 इनटू 2 तो क्या आ गया 1 आ गया, 1 अपॉन आर आ गया, कितना आ गया देखो 1 अपॉन आर आ गया। तो अगर कांच से बना है तो उस केस में 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू देखो पी, और बराबर करता हूं मैं इसको प्लस माइनस, और कितना ओनली 1 बाई आर है, 1 बाई आर आ गया कांच से बने होने पर। अब वापस देखो, अगर ये कंप्लीट है उसको अपन काटते हैं, कंप्लीट है और काटते हैं तो काटने पे क्या होगा, फोकस लेंथ हमेशा बढ़ेगी, पावर हमेशा कम हो जाएगी। आपने उसके दो पार्ट करें तो पावर उसकी हो जाएगी हाफ, फोकस लेंथ हो जाएगी आपकी डबल। और इसको देखो, अगर मैं इसमें से एफ निकालता हूं तो इस वाले में एफ तो कितनी है, इस वाले में एफ आपकी है प्लस माइनस आर, जो है प्लस माइनस आर है। अब सिंपल याद होना ये तो कितना बेहतर होता है कि अगर कोई आपके पास बाई कॉनकेव बाई कॉनवेक्स आपके पास को लेंस है उसकी दे रखी है रेडियस और कर्वेचर, दोनों सेम रेडियस की हैं और कांच से बना हुआ है, तो तुरंत मालूम होता है बिना किसी पेन के ही मालूम होता है कि उसकी फोकस लेंथ तो हमेशा उसकी रेडियस और कर्वेचर के बराबर ही होती है। तो मेरे हिसाब से उस किस्म कुछ करने की आवश्यकता था इतनी नहीं, यदि इतनी सारी बात अपन ढंग से समझ लेते ना तो मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं। देखो अब ध्यान दो, जैसे इसको अपन ये देखें कि एक समतुलतल मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी उत्तल पृष्ठ की वक्रता थी रेडियस ऑफ दरखिया 20 सेंटीमीटर, बना किससे कांच से, तो कांच से बना है तो जो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर वो इसका आंसर है 20 सेंटीमीटर है, और इसको आधा अपन काट देंगे तो 40 सेंटीमीटर जाएगी, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी और पावर उसकी हाफ हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसका आंसर देखेंगे तो आंसर इसका कौन सा जाएगा, थर्ड 20 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ, आधा काट, नहीं नहीं आधा नहीं, आधा बढ़ कराया आधा काट रहे ना, नहीं काट नहीं नहीं सिंपल है वो, तो आपका सिंपल वो दे रखा है ओरिजिनल, तो उसकी 20 है तो 20 ही इसका आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर ही फोकस लेंथ है आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है सर, ये प्लेनो कॉन्वेक्स। अच्छा प्लेनो है क्या, ओ हो हो बिल्कुल सर, यानी मैं तो उसकी पूरी थ्योरी आप बता रहा था तो उसमें बाई कॉन्वेक्स के रूप में तो आपका आ गया, और इसको पहले से काटा हुआ है, पहले से ही इसको कैसे कर रखा। देखो आप इसका जो लेंस ऑप्टेन करेंगे तो जो ये है या तो ये वाला मिलेगा आपने को या फिर ये मिलेगा, कैसा भी उसकी आगे पीछे ऐसे करने से कोई फर्क नहीं पड़ना, इसकी सेम जो नेचर आप दे रखी है, ये भी आपका कौन सा प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये भी आपका कौन सा प्लेनो कॉन्वेक्स है, और इसकी फोकस लेंथ कितनी है उस वाले की जस्ट डबल है। तो आंसर कितना आएगा, यानी इसको काटने पर आप इसको ऐसे कर देंगे f इज इक्वल टू प्लस माइनस 2r, और जैसे है खुद उस हो जाएगा, तो इसका आंसर बिल्कुल फोर्थ हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है सर पढ़े। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया, देखो भाई इसमें लिखा है पावर ऑफ एन एक्रोमेटिक कन्वर्जेंट लेंस ऑफ टू लेंसेज इज प्लस 2 डायोप्टर, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लस 5 डायोप्टर, रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। देखो बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले तो ये एक्रोमेटिक कन्वर्जेंट लेंस है, यानी एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है, दो लेंस लेंगे, एक कॉनकेव लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो ये कन्वर्जेंट लेंस जैसा बिहेव करेगा, अगर फोकल लेंथ ओवरऑल नेगेटिव आ गया तो डाइवर्जेंट लेंस जैसा बिहेव करेगा। हम लोग यहाँ पर पहले बात करते हैं लेंस के पावर की, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पी वन प्लस पी टू। अब देखो क्या लिखा है, दो लेंस है इनका कॉम्बिनेशन 2d दिया हुआ है प्लस का,
एक लेंस के लिए जो पावर है कॉन्वेक्स लेंस का प्लस 5, तो दूसरे पावर में मिल जाएगी ना माइनस 3, माइनस का 3d, यानी दूसरा लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है। अब हमें क्या बताना है, दोनों लेंस के डिस्पर्सिव पावर का रेशियो। एक फॉर्मूला देखो बच्चों, हम लोगों ने डिराइव किया था, यहां लिखते हैं ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि एक ही लेंस है, एक ही मटेरियल का पावर ऑफ एक्रोमेटिक कन्वर्जेंट लेंस ऑफ टू लेंसेज ये दिया हुआ है, यानी जैसे अच्छा हमें डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इस तरह से आपको निकालना। तभी सर आपने जो बताया था ओमेगा 1/ओमेगा 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f1/f2 P2 by P1 कर सकते हैं, बिल्कुल ये सर मैं आपकी हेल्प करता हूँ। माइनस का हो जाएगा आपका ये P2 by P1, तो इसको अपन क्या लिख दें माइनस, ये हमारे पास है P2 कितना है माइनस का 3d, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और P1 कितना है 5, तो 3/5 आंसर इसका हो गया सेकंड। ये बढ़िया के, तो ये क्वेश्चन देखें आप, एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ, ये आपका है इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब हो गया जो अपन कह रहे थे बाई कॉन्वेक्स, है ना, बाई कॉन्वेक्स का मतलब और इक्वी का जो सेम होता है समतल है, ये समतलोतल नहीं है, समतल मतलब दोनों सरफेस आपकी सेम नेचर की हैं। तो ये कह रहा है कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास ऑफ फोकल लेंथ 0.1 मीटर इज कट अलोंग ए प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इनटू टू इक्वल पार्ट्स, द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ न्यू लेंसेज। अब जो नए बनेंगे तो उनको सेम ही आएगी, दोनों का सेम आएगा, डबल डबल हो जाएगा, लेकिन पहले इसकी r तो 2r हो जाएंगे। तो अगर ये पूछता है कि पहले वाले की और बाद में जो एक पीस बनता है उसकी तो अपन कहते हैं वे बाद वाले की डबल हो जाती है, पहले वाले की अगर f होती तो 2f हो जाती हो, पर यहां तो दोनों का ही पूछा तो इसका मतलब रेशियो आपका 1:1 जी, तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते आगे देखो, नेक्स्ट देखो, व्हेन ए बाइकॉन्वेक्स लेंस of glass having a refractive index 1.47 is dipped in a liquid, it acts as a plane sheet of glass. ये कह रहा है कि एक plane sheet के रूप में behave कर रहा है, ये अपने बात अभी clear करी थी ना। This implies that the liquid must have refractive index. इसका मतलब यदि जिस जो refractive index lens का है अगर उतना ही surrounding medium का होगा तो वो जो आपका लेंस है वो क्या करेगा, एक सिंपल ग्लास प्लेट की तरह से बिहेव करेगा। तो इसका आंसर तो क्या हो गया, जस्ट उसके बराबर हो गया, तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखो, ये हमसे कह रहा है ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f प्रोड्यूसेस एन इमेज 1/n टाइम्स देन दैट ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज। तो ये आपका लेंस है कॉन्वेक्स, अच्छा अब इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि 1/n गुना प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु की लेंस से दूरी कितनी होगी। तो जैसे मान लो ये उत्तल लेंस है ना, फोकस से पास होगा, फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं होगा। तो जैसे अगर एक बात हम समझे, देखो मान लो अपने पास ही कोई एक कॉन्वेक्स लेंस है 1/n है ना, 1/n मिस्टेक कर रहे 1/n, अगर ये कोई लेंस है, यस यस ये रियल स्पीक क्या लिखा हुआ नहीं है, हाँ लेकिन 1/n आ गया तो 1/n छोटा हो गया, यानी कि तो इसमें फोकस से दूर होगा, बिल्कुल। तो इसमें थोड़ी सी अपन बच्चों को एक चीज बता देते हैं, मान लो कोई लेंस है ये और इस लेंस का जैसे ये है मान लो फोकस पॉइंट, और ये मैं मान लेता हूं इसका 2f और ये मैं लिख रहा हूं इसका मान लो इनफाइनाइट है और ठीक इस तरह से अगर हम बात करें इसमें तो दोनों सरफेस अगर सेम ही है तो ये आपका f और ये हो गया इसका पॉइंट 2f। अगर इसी के साथ मैं थोड़ी सी बात और ऐड करना चाहूं, जैसे मान लो ये मैं लेता हूं एक
ये तो है आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उसको रखा अपन ने इनफाइनाइट पे, तो उसकी जो इमेज बनती है वो कहां बनती है? एफ पर। और डायमेंशन यानी बहुत छोटी इमेज बनती है रियल, पर होती कैसी है? बहुत छोटी इमेज बनती है, बहुत छोटी स्मॉल। जब आप इस ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं इन्फिनिटी और 2f के बीच, तो अगर मैं इसको यहां लेके आता हूं, इसको मैं फिर यहां 2f लेके आता हूं, 2f और f इनके बीच में लेके आता हूं, f एक फिलाता हूं, इसको और पास लेके आता हूं, फिर पास लाते लाते इसको जस्ट इसके ऑप्टिकल सेंटर के पास ले आता हूं। ठीक यही बात है अगर मैं इस कॉनकेव मिरर के लिए करता हूं, जस्ट इसमें मैं ऐसे मान लेता हूं कि ये इसका सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर अपन कह रहे हैं, और ये इसका हो गया फोकस पॉइंट, हाफ इसका हो जाएगा, इसको मैं एफ कह रहा हूं, जस्ट ये 2f पे से बिहेव करेगा, और इसको मान लेता हूं मैं इनफाइनाइट, और ये मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको यहां रखूं, चाहे इसको मैं यहां रखूं या सी पे रखूं या एफ और सी के बीच में रखूं, इसको एफ पे रखूं और फिर इसको पास लेके आता हूं इस तरह से, तो इमेज किस तरह से कहां बनेगी कैसे बनेगी वो अगर हम थोड़ा समझ लें तो फिर क्वेश्चंस को समझना थोड़ा सा आसान अपने हो जाता है। तो जैसे जस्ट ये सिमिलर ही काम करते हैं, तो आपने रखा इनफिनिटी पे, तो इमेज इसकी एवरेज डायग्राम तो बहुत लंबा होता है, उसमें तो हम काम नहीं कर पाएंगे, पर ये मालूम आपको होना चाहिए, जैसे मान लो यहां रखा है इसको इनफिनिटी पे, तो इसकी इमेज कहां बननी है? एफ पे बननी है, एफ पर। और कैसी बनती है इमेज? बहुत छोटा, बहुत छोटा और इन्वर्टेड, बहुत छोटा जरा सा पॉइंट इमेज मान लो आप उसको, पर है रियल में उसकी नेचर अगर अपन बनाएंगे ऑब्लिक रे लेके अपन उसको फॉर्म करेंगे, तो नेचर बिल्कुल आपको मालूम हो जाती है कि वेर डायमेंशन होती है, बहुत छोटा इमेज होता है, रियल एंड वास्तविक होता है और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा छोटा सा इमेज बन जाएगा यहाँ पर बिल्कुल बारीक सा। अब मान लो इसको अपन पास लाएंगे, इसको अपन पास लाएंगे, तो अगर मैं इसको इन्फिनिटी और 2f के बीच में यहाँ रखता हूँ, तो इसकी इमेज यहाँ बनती है f पर, पॉइंट इमेज रियल बिल्कुल वो सारी प्रॉपर्टी। अब इसको अपन यहां से इस तरफ लाएंगे तो इमेज आपकी यहां से आगे खिसकना शुरू हो जाएगी, इस वाले में इमेज आपकी यहां से बनना शुरू हो जाएगी। अब इसे जब आप 2f पे लाते हो तो इसकी इमेज कहां बनेगी? जस्ट जिस इसका जो साइज है ना उसी साइज का, यानी यहां सेम साइज की इमेज बन जाएगी। यहां वाले में जस्ट आपने सी पे रखा तो जस्ट सी पे इमेज बन जाएगी और उसी साइज की, जस्ट समान आकार की है, इसका जो मैग्निफिकेशन है माइनस का 1 हो जाएगा। अब ध्यान दो कि यहां से यहां आने पर जो इमेज आपकी f से 2f जा रही है, ध्यान दो इनफिनिटी से 2f मतलब आप बहुत तेज चल रहे हो, इमेज बहुत स्लो चल रही है, पर सारी इमेज कैसे बन रही है? जस्ट इन्वर्टेड बन रही है। तो ध्यान दें सारी इमेज कैसे यहां से यहां तक, सारी इमेज कैसे आपकी डायमेंशन है, यहां आते इसका m कितना हो चुका है माइनस का 1, तो ये भी आपका माइनस का 1 हो गया, तो आप इसको ऐसे इमेज को बना सकते हो ना, सारी की सारी इमेज ऐसे बन जाएंगी। अब जैसे आप 2f से क्रॉस करते हुए f की तरफ जाएंगे, इमेज फिर देखो आपकी हो जाएंगी इनलार्ज, अब इमेज आपकी बड़ी बनेंगे, यहां पर भी आप इनको बनाओगे तो ये इमेज आपकी इस तरह से बड़ी बनना शुरू हो जाएगी, और जैसे आप f पे आ गए तो आपकी इमेज कहां पहुंच गई? इनफिनिटी पे, बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी, वहां इसका मैग्निफिकेशन माइनस में बहुत बड़ा आपका इससे हो जाएगा। ठीक बात यहां पे आपको लग जाएगी। अब देखो इन सारों के लिए अगर आप चेक कर दो m कैसा नेगेटिव है, और जिसका m नेगेटिव होता है रियल ऑब्जेक्ट से अपन ये इमेज बना रहे हैं, तो वहां सबका देखो यहां m का वैल्यू 1 से कम, 1 के बराबर, 1 से बहुत बड़ा, सेम टू सेम आप यहाँ चेक करोगे, यहाँ सब कैसा 1 से कम है, यहाँ 1 के बराबर हो गया माइनस का, इस तरह 1 से बड़ा हो गया, बिल्कुल सिमिलर सेंस में इसकी इमेज आपकी बन जाती है। तो देखो अब इस वाले में मैग्निफिकेशन आपका 1 से छोटा भी है, 1 के बराबर, 1 से बड़ा भी, तो है सारा पॉसिबल है, तो यहाँ पर भी ऐसा पॉसिबल है। पर अगर बात करते हैं जस्ट इसका उल्टा करते हैं, कौन सा जैसे अभी तक अपने बात करी सिर्फ कहां तक? एफ तक। अब जैसे अपन f से यहां आगे चलते हैं और यहां पर भी इसमें f से आगे चलते हैं, तो f से मान लो मैं यहां इस पॉइंट पे हूं और इसकी अपन इमेज फॉर्म करें, तो मैं कम से कम 2 रे ले लेता, मान लो मैंने यहां मान लिया इसको ना, 1 रे चल रही है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के चल रही पैरेलल चल रही है, तो वो तो कैसे f से पास होगी सर, और जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है बिना डेविएशन के यू निकलेगी। अब जैसे मैंने पढ़ा था कि ये अपने हैं क्या, इनको हम कहते हैं
लेंस के अपवर्तन के बाद प्राप्त होने वाली अपवर्तित यानी रिफ्रेक्टेड रेस, तो जब भी हम किसी इमेज को सेंस करते हैं तो हमेशा खुद को जो भी आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती हैं या रिफ्रेक्टेड रे होती हैं उनके सामने अपनी आई को अरेंज कर लेना चाहिए, और जो रे आपकी आई में एंटर कर रही है उनको पीछे बढ़ाने पर, पीछे बैकट्रेस करने पे जो फर्स्ट आपका बनता है कॉमन पॉइंट वही इमेज की पोजिशन शो होती है। तो इनको जैसे अपन बैकट्रेस करेंगे, बैकट्रेस करने पर देखो जहां भी आपस में पहली बार मिलेंगी वो इसकी इमेज बनेंगी। और यहां देखो अब क्या रियल में कोई रे है क्या नहीं है, ये कौन सी मस्की आपकी, ये आपकी वर्चुअल इमेज है आभासी, और आभासी हमेशा सीधी होती है। देखो वाउ, ये तो है वाउ, एक अपने पास वर्ड है आभासी। तो आभासी तो क्या होता है सीधा, वाउ का मतलब उल्टा। वास्तविक इमेज कैसे बनती है, हमेशा उल्टी इमेज बनती है। आवासीय इमेज कैसे बनती है, पर ये सब रियल के लिए है। अगर हम किसी वास्तविक वस्तु से इमेज बनाते हैं तो उसमें फिक्स आता है कि वास्तविक से जो आपकी वास्तविक इमेज बनती है वो हमेशा उल्टी बनेगी और आवासीय हमेशा कैसे सीधी बनेगी। तो यहाँ देखो ये जो आपकी इमेज बन रही है, जैसे आप एफ से चलते हैं इसके ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, तो आप देखो इमेज जो है ना, जैसे आप पहले इस पॉइंट पे हो तो इमेज यहाँ है। अब जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना, मान लो मैं यहाँ से इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे आने पे ये तो रे आपकी फिक्स है, पर ये रे देखो ये तो इस तरह जाएगी ना, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इमेज यहाँ आएगी। तो बहुत सलीके से ध्यान दो कि जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ इस तरह से मूव करता है तो इमेज पहले देखो आपके एफ से चलना शुरू होती, आगे बढ़ेगी, फिर जैसे एफ को क्रॉस करते हुए आगे चलेंगे तो इमेज पहले बहुत यहाँ बनती है फिर वो आगे आएगी। तो आप उसको साइज आपका लगातार कम होगा। सिमिलरली आप यहाँ चेक करोगे तो ऑब्जेक्ट मान लो पहले आए इनफिनिटी से कहाँ पर, टू एफ तक, फिर आप आगे एफ तक, तो इमेज आपकी पहले देखो यहाँ से यहाँ आने पर इमेज एफ से टू एफ, जैसे इसे क्रॉस करें यहाँ से तो इमेज बहुत तेज चलेगी, अब कहाँ चलेगी आपकी सी से इन्फिनिटी, फिर एफ को क्रॉस करेंगे तो एफ की क्रॉस करें देखो यहाँ इमेज देखो यूं इस तरह से चल रही थी ना, तो यहाँ जस्ट यूं आएगी, यहाँ इमेज यूं चल रही थी तो यहाँ से यूं आएगी, तो ये इमेज बहुत पहले उसका साइज बड़ा होगा फिर सारी साइज छोटे होंगे। तो ध्यान दे ले आप इसमें, चाहे इस वाला केस हो चाहे इस वाला केस हो, जो आभासी इमेज बन रही है उन सब का मैग्निफिकेशन या तो एक या एक से बड़ा है, छोटा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो आपकी सारी इमेज बनती है उन सब के लिए एम आपका प्लस का आ गया, एक से बड़ा आ गया, पर एम जो माइनस का बना ना वो तो एक के बराबर भी है, एक से छोटा भी है और एक से बड़ा भी है, सारे प्रकार की इमेज वहां पर फॉर्म हो रही है। ठीक है सर, तो यहाँ से एक तो बच्चे हैं वो पता कर सकते हैं कि इमेज आपकी किस तरह से है। तो अब देखो आपका क्वेश्चन था कि 1/n, तो 1/n क्या छोटा बन रहा है, छोटा बना, तो छोटा तो कहाँ कौन से बन रहा है, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, आभासी तो है नहीं, उसका m जो आप यहाँ से उसको ले सकते हैं। तो अब सर आप इसको थोड़ा कर दीजिए, मैं तो थक गया, आप बताएं देखो इसमें क्या करें आगे, क्वेश्चन कौन सा था अपना, ये वाला। हाँ देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f प्रोड्यूसेस इमेज 1/n टाइम्स देन दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, तो हमें u फाइंड करना है, फोकल लेंथ f दिया है और मैग्निफिकेशन 1/n है। यहाँ एक चीज ध्यान देंगे, इमेज छोटा बन रहा है ना, तो रियल इमेज होगा, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, नेगेटिव। अब मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग यूज कर ले यहाँ पर, लेंस के लिए f by f plus u equals to minus 1/n, वैल्यूज को पुट करेंगे, f को तो f ही रहने देते हैं और u के बदले u हमें ज्ञात करना है, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ना, हाँ इससे यू तो निकालो ना अपने को, हाँ यू ही गैप करें, तो ऐसे लिख दें यहाँ पर माइनस एफ इनटू एन इक्वल्स टू एफ प्लस यू, तो ये आ जाएगा माइनस एफ एन और माइनस एफ इक्वल्स टू यू, कुछ मिस्टेक हो गया लगता है यहाँ पर, माइनस यू आएगा, नहीं सही है तो आप कॉमन लीजिए इसमें, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, एक एक मिनट पर देखिए, जैसे आपने ये यू निकाला तो यू माइनस में अपन कॉमन ले लें, तो एफ आपने कॉमन लिया तो कितना हो गया एम प्लस वन कर दूंगा, हाँ इसका ये नहीं आ रहा है,
हाँ तो ठीक है, ये तो आंसर है इसका, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब u तो आपको माइनस ही आएगा, इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं किया, लेंस है ना। हाँ सही, बिल्कुल अपन ने बच्चों को बता रखा था, बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा, एकदम सही लिखा है ये अपन ने, बिल्कुल बच्चों को एक्सप्लेन किया था, जैसे अपन ने पढ़ाया था बच्चों को कि जो मैग्निफिकेंस मिरर फॉर्मूला, दर्पण फॉर्मूला, लेंस वाला सब, लेंस वाले में n क्या था, सब बच्चों बता रखा है, बिल्कुल सही है। v uf by u plus f, यस, मैग्निफिकेशन v by u, प्लस में लिखते हैं तो f by f plus u आ गया। अब यहां पर 1 by n लिखेंगे, ये नेगेटिव, बिल्कुल सही, बिल्कुल नेगेटिव ही आएगा, u तो नेगेटिव ही आएगा, तो आपको तो ओनली इसकी वैल्यू तो पता करनी थी ना, तो कितना n plus 1 into f, बिल्कुल आपका सही आंसर है, कहीं सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर थर्ड, बिल्कुल। आपसे पूछा ना वस्तु की लेंस दूरी, मतलब u दूरी, तो आपकी दूरी तो प्लस आती है ना, तो ओनली उस हिसाब से इसमें माइनस को दूरी के रूप में हटा कर माइनस कॉमन ले लेंगे। यस यस ओके। हाँ जी, तो इफ अपर्चर ऑफ लेंस इज हाफ्ड दैट इमेज विल बी, तो ये आपसे कह रहा है कि अगर हम किसी लेंस का जो द्वारक होता है, द्वारक, उसको हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो प्रतिबिंब हो जाएगा। तो द्वारक को आधा करने पर जो रे ऑफ लाइट इमेज फॉर्मेशन में भाग लेती हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी, और ऐसे करने से प्रतिबिंब जो बनता है उसकी तीव्रता घट जाएगी, तो नो इफेक्ट ऑन साइज। हाँ बस, तो इमेज तो वैसे ही बनेगी, इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इमेज का साइज से जो उसकी हाइट वगैरह सब सेम बन जाएंगी, क्योंकि आपको मालूम है इमेज बनाने के लिए तो दो रे ऑफ लाइट कम से कम चाहिए, वो तो आप तो उसको हाफ ही तो कर रहे हो, बहुत रे ऑफ लाइट अवेलेबल है। इसमें जस्ट आपका आंसर आएगा कि आकार में कोई परिवर्तन नहीं, बिल्कुल ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिक्रीजेस, बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब आंसर आपका सेकंड ही हो जाएगा, क्यों सर सही है। ओके बढ़ते आगे, तो ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज ऑफ द सेम मटेरियल विद फोकल लेंथ f1 एंड f2 अरेंज्ड ऑन ए कॉमन एक्सिस मिनिमाइज, ये तो आपकी क्रोमेटिक एबरेशन। देखो बच्चों इसमें इस्तेमाल करते हैं एक फॉर्मूला, अगर दो लेंसेज हैं और दो लेंसेज एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर हैं, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है हम लोग ऐसे लिखते हैं, 1 by f1 प्लस 1 by f2 माइनस d अपॉन f1 f2। ये फॉर्मूला है। अब इसमें क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज ऑफ द सेम मटेरियल विद फोकल लेंथ f1 एंड f2 अरेंज्ड ऑन द कॉमन एक्सिस मिनिमाइजेस क्रोमेटिक एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन मिनिमाइज कर दिया तो जीरो कर दिया, डिस्टेंस हमें ये डी चाहिए, अगर यहाँ पर डी एफ जीरो है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों, ऐसे लिख देते हैं माइनस डी एफ बाई एफ स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस डी एफ वन बाई एफ वन स्क्वेयर माइनस डी एफ टू बाई एफ टू स्क्वेयर, माइनस डी को यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो दो टर्म है 1 by f1 1 by f2, हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, एक बार 1 by f1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस डी एफ वन बाई एफ वन स्क्वायर और f2 ऐसे ही रहेगा, दूसरी बार हम लोग 1 by f2 को डिफरेंशिएट करेंगे 1 by f1 को रहने देंगे, तो ये हो जाएगा डी एफ टू डिवाइडेड बाई एफ वन एफ टू स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। ये टर्म तो जीरो रहना है क्योंकि मिनिमाइज करने का मतलब मिनिमम हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, जीरो ये जो स्फेरिकल एब्रेशन सॉरी क्रोमेटिक एब्रेशन है वो जीरो होना चाहिए, तो डी एफ जीरो आ जाएगा। अब इसके आगे हम लोग एक नया पेज बनाएंगे सर, देखो बच्चों इसको जीरो कर देंगे क्या आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा एफ वन बाय एफ वन, फिर यहां पर ओमेगा एफ टू बाय एफ टू स्क्वायर है ना, तो एक कट जाएगा, फिर उसके बाद माइनस डी, माइनस माइनस प्लस ही लिख देते, अच्छा चलो रहने दो, माइनस डी यहां पर लिखेंगे फिर से ओमेगा एफ वन बाय एफ वन स्क्वायर एफ टू प्लस ओमेगा एफ टू डिवाइडेड बाय एफ वन एफ टू स्क्वायर, ऐसा है, ओमेगा सब में कट जाएगा, 0 equals to 1 by f1 plus 1 by f2 minus d
और फिर यहां पर क्या आ जाएगा, फिर से 1 बाय एफ वन एफ टू प्लस 1 बाय एफ वन एफ टू। तो इस टर्म को दूसरी तरफ हम लोग ले जाते हैं, देखो ये 2 लिख सकते हैं क्या, 2 बाय एफ वन एफ टू इंटू डी, और यहां पर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ वन प्लस एफ टू डिवाइडेड बाय एफ वन एफ टू। नीचे का एफ वन एफ टू काट देंगे, हमें क्या चाहिए, d का मान चाहिए, तो d को लिखेंगे एफ वन प्लस एफ टू बाई टू, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है बच्चों को ये याद रखना चाहिए, नीट के बच्चों को तो ये याद रखना चाहिए, ये याद रख सकते हो बिल्कुल। तो इसका आंसर आपका हो गया एफ वन प्लस एफ टू, एवरेज इसकी फोकस लेंथ हो गई, एवरेज ले लेंगे फोकस लेंथ बिल्कुल, इस तरह से याद रखना भी मिटा दे। यस सर। तो ये कैसा है क्वेश्चन है कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए डबल कॉन्वेक्स लेंस फॉर रेड लाइट इज एफ आर, इट्स फोकल लेंथ फॉर द वायलेट लाइट इज, तो लाल रंग के लिए एक उभयोत्तर लेंस की फोकस दूरी एफ आर है, तब बैंगनी रंग के लिए इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो जैसा कि अपन जानते हैं फोकस लेंथ होता है आपका 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2। तो लेंस तो एक ही है तो उसका स्ट्रक्चर तो कांस्टेंट है, इसका मतलब आप ये कह सकते हो तो ये तो आपका फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो जो आपने लाइट यूज कर रखी है उसके अलग अलग अगर कलर अपन यूज करेंगे, वेवलेंथ अलग अलग लेंगे या फ्रीक्वेंसी अलग अलग जो होंगी लाइट की उससे इसको बोल देना देना नहीं है। पर ये जो म्यू होता है अपन जानते हैं म्यू जो होता है एक ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो क्या करता है अलग अलग म्यू के लिए अलग अलग फोकस लेंथ है वो प्रोवाइड करता है। तो ऐसे में देखो आपने पढ़ा था इसको, मैं ऐसे मान लूं कि 1 अपॉन f इसको जस्ट प्रोपोर्शनल अज्यूम कर लेता हूं म्यू के, और म्यू हमने पढ़ा था कितना a प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो अपन तो सीधे इसको माइंडली ऐसे कैप्चर कर लेंगे चीज को कि 1 अपॉन f इस तरह से आपका रिलेटिव होता है। अब ध्यान दें आप हमारे पास तो कंडीशन किसकी है, रेड की और बैंगनी के लिए, तो आप सिंपल सी बात है कि f जिसका बड़ा है या जिसका लैम्डा बड़ा उसका f भी बड़ा है, और जिसकी लैम्डा कम है उसकी f भी कम है, तो कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं। तो आप आराम से चेक कर सकते हो इसमें कि बैंगनी की लैम्डा कैसी होती है, कम होती है, तो लैम्डा कम है तो उसकी फोकस लेंथ भी कम हो जाएगी, तो इसलिए इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा लेस देन fr। ये होता है सर क्यों, ठीक है ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कह रहा है, ये अपने शायद अभी डिस्कस किया था। तो ए थिन इक्विकॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो बात हुई आगे 1.5 से बना इक्विकॉन्वेक्स है, दोनों सरफेस सेम है, एंड इट्स फोकल लेंथ इज 0.2 मीटर, तो है नहीं बात। इफ इट एक्ट्स एज ए कॉनकेव लेंस ऑफ 0.5 मीटर फोकल लेंथ व्हेन डिप इन ए लिक्विड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज, तो अपने को लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पूछा गया है। तो देखें वापस वही कहानी, इसमें जो 1 अपॉन f आपकी है 1 अपॉन f इज इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इनटू जो अभी हम लिख रहे हैं 1 अपॉन r1 माइनस का 1 अपॉन r2। तो अगेन देखो आप ये तो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये तो अपने लिए कांस्टेंट है, तो इसको अगर अपन कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं तो ओनली आपके 1 अपॉन जो f है उसका वैल्यू कितना है म्यू माइनस 1 की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सुपन कर सकते हैं। और म्यू यहां पे है क्या, म्यू आप जानते हैं म्यू है जो लेंस है उसका सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में है, तो म्यू एल बाय म्यू मीडियम है, क्यों सर। अब देखो आपको कह रहा है कि जो लेंस है उसके पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, तो पहली कंडीशन में उसकी फोकस लेंथ थी 0.2, अब लिक्विड उसको अपन डुबो देते हैं तो फोकस लेंथ कितनी हो गई आपकी 0.5, और ये कैसे बिहेव कर रहा है एज ए कॉनकेव लेंस। तो अब हमको इसमें लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है, तो देखो इसको अपन यूं कर दें हम कि f डैश अपॉन f बाद वाला इज इक्वल टू ये हम कर दें इसको देखो क्या म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1। तो पहली कंडीशन में तो वो जो आपका लेंस था वो था एयर में था, तो इसको तो अपन म्यू लेंस ही करते हैं, म्यू लेंस
अपॉन म्यू एयर तो वन होता है, माइनस का कितना वन, पर सेकंड कंडीशन में उसको अपन रुबाया किसमें किसी मीडियम में, तो उसको अपन लिख पाएंगे म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस वन, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, सर आप थोड़ी हेल्प करते रहेंगे। बिल्कुल, अब इसमें इससे पहले जो देखो बच्चों फोकल लेंथ शुरुआत में दिया हुआ था कितना 0.2, हम लोग इसको आगे लेकर चलेंगे, और बाद में 0.5, यस, लेकिन कैसा है कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ को नेगेटिव लिख देंगे। पहले कौन सा लेंस था, पहले कॉन्वेक्स था क्या सर? पहले कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स था तो पॉजिटिव लिख देंगे 0.2। अब म्यू लेंस का 1.5 गिवन है और यहाँ पर फिर से 1.5 एक ही अननोन है म्यू जो हमें ज्ञात करना है, ये म्यू किसका है मीडियम का ये ज्ञात करना yes. है। तो अब इसके आगे सर्च करेंगे, थोड़ा मैं हेल्प कर दूं आपकी। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन है देखो यहाँ पर प्लस में है पॉइंट, ऐसा लिख दे माइनस 5/2 इक्वल्स टू 0.5 को 1/2 लिख देते हैं, और फिर यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1.5 बाय म्यू माइनस 1 माइनस 1, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इसको उठाकर इधर ले आएंगे, बिल्कुल 1.5 डिवाइडेड बाय म्यू एम माइनस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 5, तो 1.5 बाय म्यू एम ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 5 1 माइनस 1 बाय 5, इसको 4 बाय 5 लिख सकते हैं। अब हमें म्यू एम चाहिए तो क्या लिख देंगे, 1.5 इनटू 5 बाय 4 इक्वल्स टू म्यू एम, इसको 3/2 लिख देते हैं 3/2, क्योंकि हमें इस फ्रैक्शन के फॉर्म में ही आंसर्स दिए हुए हैं सारे ऑप्शंस में, तो क्या हो जाएगा 15/8। अब आंसर को चेक करेंगे, 15/8 सेकंड आंसर सेकंड में दिया है, बिल्कुल ठीक है, तो इसका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा सर, बिल्कुल ये आपका क्वेश्चन आ गया। देखो बच्चों अब अगला क्या लिखा है, क्रोमेटिक एबरेशन ऑफ लेंस कैन बी करेक्टेड बाय, क्रोमेटिक एबरेशन है इसका मतलब अलग अलग कलर के लिए फोकल लेंथ अलग अलग है, जो पहले भी बताया जा चुका है। देखो एक रे आया वाइट रे है तो इसमें से वायलेट कलर जो है वो पहले आ जाएगा, ये यहां से यहां तक का ये फोकल लेंथ वायलेट का है, ये रेड कलर के लिए, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में अंदर होता है, क्या लिखा है, क्रोमेटिक एब्रेशन ऑफ लेंस कैन बी करेक्टेड बाय, तो हमें एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन चाहिए, क्या करेंगे एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स लेंस, पहले में लिखा है रिड्यूसिंग इट्स एपर्चर, एपर्चर को कम करके ज्यादा कुछ खास फर्क आएगा नहीं, प्रॉपर पॉलिशिंग ऑफ टू सर्फेसेस इससे भी नहीं होगा, सुटेबल कॉम्बिनेशन विद अनदर लेंस जो हमने कहा था ना ओमेगा 1 by f1 plus omega 2 by f2 equals to 0, अगर ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो दो लेंस से हम लोग एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, मतलब एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ में क्या लिखा है, प्रोवाइडिंग डिफरेंट सुटेबल कर्वेचर, ऐसा कुछ नहीं है, करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, यानी सर इसमें हां थोड़ा सा केस साफ करना इसको, जैसे एक तो होता है क्रोमेटिक एब्रेशन जो लेंस का, हाँ। और एक होता है अपने मिरर, मिरर में स्फेरिकल स्फेरिकल एब्रेशन होता है उसका, जिसके लिए हम लोग पैराबोलिक पैराबोलिक यूज करते हैं, हाँ बिल्कुल, और ये उसमें क्या एक तरह फायदा होता है, जिसमें पर बनाते हैं जो अपने माइक्रोस्कोप बनाते हैं, हाँ। टेलीस्कोप बनाते हैं, टेलीस्कोप तो टेलीस्कोप में उसका का सा अच्छा उसका उपयोग होता है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, ए कैंडल प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस फॉर्म एन इमेज ऑन ए स्क्रीन, इमेज ऑन ए स्क्रीन, इमेज स्क्रीन बन रही है इसमें रियल है, प्लेस्ड 75 सेंटीमीटर ऑन द अदर एंड ऑफ द लेंस, तो दूसरी तरफ अभी अपन बना रहे थे इमेज, जो मैंने कहा था एक अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट रखा है, दूसरी तरफ इमेज बन रही है, अगर उस व्यू को पूरा ढंग से आप सोचो ना, देखो अपने पास एक यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस था, अपन यहाँ रखे तो ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज सारी लेंस के अदर साइड बन रही सारी कैसी थी आपकी, रियल थी, और जैसे अपन एफ क्रॉस करके आ रहे थे ऑप्टिकल सेंटर तक, सारी इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ बनी थी, वो सब कैसी थी आपकी, वर्चुअल थी, वो सब इनलार्ज थी, बड़ी थी, एम उसका एक से बड़ा था, तो देखो ध्यान दो, क्योंकि जब तक आपको पिक्चर का पूरा व्यू पता नहीं होना तो क्वेश्चन करने मजा नहीं आता, फिर बिल्कुल मजा नहीं आता उसमें, क्वेश्चन
सही होता है गलत होता है पता होता ही नहीं, गलत हो गया तो ठीक है, सही हुआ तो ठीक है, बस ऐसा ही होता है। तो ध्यान दें, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है ए कैंडल प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए स्क्रीन। इमेज कहाँ बन रही है? स्क्रीन में बन रही है। प्लेस्ड 75 सेंटीमीटर ऑन द अदर एंड ऑफ द लेंस द फोकल लेंथ एंड टाइप ऑफ द लेंस शुड बी। तो आपको फोकल लेंथ भी फाइंड करनी है और लेंस का टाइप भी पता करना है। तो देखो अच्छा, ऐसे इसके ओनली कैलकुलेशन से पता करना पड़ेगा। तो लेंस से दे रखा है अपने को और क्या बोलते हैं उसी तरह दे रखा है। हाँ तो देखो इसमें 1/f क्या होता है लेंस का? वन अपॉन एफ इज इक्वल टू लेंस माइनस तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। तो डायरेक्ट अपन इसकी बात करते हैं, लेंस का हमें मालूम नहीं है। मान लो ये लेंस है, कोई कोई पता नहीं इस लेंस का, ये लेंस मान लिया हमने। अब ये कह रहा है कि लेंस से 25 सेंटीमीटर पे, लेंस से कोई इससे 25 सेंटीमीटर पे आपने रखा है ऑब्जेक्ट, तो रे आपकी इस तरफ इंसिडेंट होगी, तो इसका जो यू है वो तो आपका कैसा हो गया? माइनस का 25। उसके बाद जो इसकी इमेज बन रही है वो क्या कह रही है? इमेज ऑन ए स्क्रीन प्लस 25 ऑन द अदर एंड ऑफ द लेंस, वो इमेज बन रही है इस साइड में, इसका मतलब वो तो प्लस हो गया। तो ये आप इसको कैसे करेंगे सर? 1 अपॉन v तो हो गया 1 अपॉन प्लस का 75, क्योंकि v तो प्लस आएगी, और माइनस का कितना? 1 अपॉन माइनस 25, यानी ये हो गया आपके पास 1 अपॉन 75 प्लस 1 अपॉन 25। इसको मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, 3 से कर दूं डिवाइड, तो एलसीएम कितना? 75 आ गया। 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4। तो ये हो गया आपके पास 4 अपॉन 75। तो कुल मिलाकर के हमको इसको f मिल गई, वो कैसी मिल गई? प्लस की मिल गई। प्लस तो प्लस की 75/4। तो फोकस लेंथ का f प्लस आना मतलब लेंस हो गया कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 18.75। तो आंसर कौन सा गया इसका? फर्स्ट गया, बिल्कुल ठीक है। बढ़े सर आगे। हां सर, नेक्स्ट देखें। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, यानी कांच से बना हुआ है और इसकी आपको दे रखी है फोकस लेंथ 10 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन सरफेस इज 7.5 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकंड सरफेस विल बी। तो इसका मतलब दो सरफेस है वो आपकी सेम नेचर की नहीं है, उनकी रेडियस आपकी डिफरेंट डिफरेंट है, कोई इशू नहीं है। आपको f दे रखा है, आपको म्यू दे रखा है और r1 दे रखा है, r2 हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो 1 upon f is equal to mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2, ठीक है जी। तो लेंस का फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर का भी सारे से जुड़ जाता है। तो उत्तर लेंस दे रखा है तो f तो आपकी प्लस की है, तो हम इसको लिख दें प्लस का 10। तो 1 by 10 इज इक्वल टू ये आपका 1.5 माइनस 1 यानी 0.5, तो 1/2। अच्छा उसके बाद देखें तो लेंस हमारे पास कौन सा है? ये उत्तल लेंस है। लेंस आप इसको ऐसे बनाएंगे तो इसकी ये सरफेस फर्स्ट है, इसको अपन मानते हैं सेकंड। फर्स्ट की रेडियस आपकी कैसे इस तरफ, तो प्लस की मैं ले लेता हूं, तो 1 / r1 कितना दे रखा है हमने सर? 7.5 सेंटीमीटर। तो 1 / ये सारा सब चीजें इसमें है तो आप इसको सेंटीमीटर में पुट कर सकते हो, और माइनस का 1/r2। अब इसको सिर्फ हमको सॉल्व करना है। अगर इसको मैं यहां कर दूं कैंसिल तो कितना हो गया? 5। तो अब अगर मैं इस 1/r2 को लेता हूं इस तरफ तो माइनस से प्लस हो गया क्या सर? तो ये हो गया देखो 1/r2 इज इक्वल टू 1/7.5 माइनस 1/5 1/7.5 माइनस का 1/5 आ गया। अब इसमें इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व इसको अपन ऐसे करें क्या कि 58 को मैं हां पढ़ ले लेते हैं, तो 10/75 इसको 2/15 ले सकते हैं। इसको अगर मान लो मैं ये अपने पास है 75, इसको 5 से कैंसिल कर लेते हैं 2/15 आ जाएगा। तो यानी मैं जैसे ये सोच रहा था इसको अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई 15 से डिवाइड करता हूं
तो कितना हो गया ये 75 हो गया क्या 75 हो गया 10 माइनस 5 यस तो माइनस 5 अपॉन 75 माइनस 5 अपॉन 75 माइनस साइन तो सिर्फ वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आता है और ये 1/15 तो 1/15 आया 1/r2 यानी r2 का मॉड अगर हम लोग लें प्लस में 15 आ गया तो आंसर हमारा हो जाएगा 15 सेकंड क्या देखो उसका नेचर आया ना इसके r2 इस साइड में आएगी तो वो तो नेगेटिव आएगा पर आपको तो ओनली इसकी रेडियस ही बतानी थी तो आप क्या करेंगे इसका मोड ले लेंगे जैसे कि सर ने बताया आपको अभी तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर नेक्स्ट देखो एन ऑब्जेक्ट हैज इमेज थ्राइस ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज व्हेन केप्ट एट 8 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब वस्तु को लेंस से 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर पे रखते हैं तो वस्तु का इमेज मूल आकार का 3 गुना बनता है एक वास्तविक एक आभासी होगा बिल्कुल तो दो इसके अपन ले लेंगे दो इसके एम आ जाएंगे और दोनों तो एक प्लस और एक बिल्कुल तो सर थोड़ी सी कर दें आप पहले उसमें क्या करना चाह रहे हैं देखो बच्चों ये इसमें क्या लिखा है जो इमेज है कॉन्वेक्स लेंस के पास रखा है एक एक मिनट सर जरा मैं आपको थोड़ी हेल्प कर रहा हूं तो यहां देखो लेंस कैसा उत्तल है लेंस उत्तल है तो अभी हमने जब इसकी इमेज बनाई थी तो ध्यान देंगे इसमें देखो एम बस ये बहुत इंपॉर्टेंट जैसे मैंने अभी थोड़ी सी बात बताई नहीं थी वैसे थोड़ा सा मैं उसको ऐड कर दूं फिर सर इसको सॉल्व कर देंगे तो एक चीज और समझो देखो आप पहले उसके बाद इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे क्योंकि मैं बार बार कह रहा था कि अगर हमको इमेज का व्यू पता नहीं है हमको एम का पता ही नहीं कि एम कब प्लस का कब माइनस का है तो फिर क्वेश्चन आप ढंग से नहीं कर पाओगे तो मैं प्रयास कर रहा हूँ इस और आपको सिखाने की जैसे मान लो अपने पास ये है एक ये तो हो गया आपका कॉनकेव सॉरी कॉनवेक्स मिरर कॉनवेक्स मिरर और ये हो चुका आपका कॉनवेक्स कॉनकेव लेंस इस वाले में देखो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका फोकस लेंथ f ये मान लो इसका अपन पोल ध्रुव कहते हैं p और ये इंफिनिटी तो यहां तो ओनली पोल और इंफिनिटी दो ही पॉइंट है यहां इस तरफ कोई f इसका c ऐसा कुछ नहीं होता है यहां तो फिर भी होगा आपका यहां तो फिर भी अपन कह पाएंगे इसका ये f भी होगा इसका ये 2f भी होगा और ये आपकी इंफिनिटी की कंडीशन भी बनेगी पर दोनों का इमेज का जो सेंस है वो आपका बिल्कुल सेम रहेगा तो जैसे अगर आप रखते हो ऑब्जेक्ट को कहां पे इंफिनिटी पे इसको फिर यहां पास अपन लेके आएंगे लेते रहेंगे पर आपके पास तो पोजीशन तो दो ही रहेगी या तो इंफिनिटी या बिटवीन इंफिनिटी और पोल यहां पर f टू f तो नहीं कह पाएंगे यहां तो यहां पर भी इमेज का बिल्कुल सेंस सेम रहेगा कोई फर्क नहीं आएगा बिल्कुल तो अगर आप जैसे मान लो किसी एक इमेज को फॉर्म करते हो जैसे मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता हूं तो एक को बना के चेक कर लो फिर अपने आप आपको मिल जाएगा जैसे मैं इसकी इमेज बनाता हूं तो ये मान लो रे आती है कैसे इसके पैरेलल तो जो रे यहां से पैरेलल आ रही है ये तो आपका कैसा कन्वर्जिंग होता है डाइवर्जिंग होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रे कैसे मूव करेगी वो इस f से जाती हुई अपने को फील होगी यू बात सही है और जो रे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इंसिडेंट होगी यू वो इस पे नॉर्मली है वो नॉर्मल के अलोंग है वो तो अपने उसी पाथ को फॉलो करेगी अब हमने बार बार कहा है कि ये जो हमारे पास रहेगी कौन सी रिफ्लेक्टेड रे ये इमेज को फॉर्म करेगी अगर मैं अपनी आई को इसके बीच में अरेंज करता हूं और ये जो रे आपकी आई में एंटर करे उनको पीछे बढ़ाने पे जो फर्स्ट इसका कॉमन पॉइंट बनेगा यहां इसकी इमेज बनेगी ये आपकी इमेज बन गई इमेज कहां बनती है दर्पण के पीछे बन रही है पीछे कोई रियल रे नहीं है ये हमेशा कैसे बनेगी आपकी आभासी इमेज बनेगी पर छोटी इमेज आएंगे इमेज कैसी छोटी है अब ध्यान दो अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहां होता
तो ऑब्जेक्ट के यहां होने पे जो समांतर रे आती है वो तो ऐसे जाएगी, पर जो रे जा रही है इसमें सी की तरफ वो तो इससे पहले मिलेगी ना, दो रे इसमें सी की तरफ अपन लेंगे मान लो, सॉरी सी की तरफ दो रे बनेंगे ऐसे। अब वो कहां इन आपस में इंटरसेक्ट करेगी उसके बेस पे आपको यूज करना है। तो जब मैं देखो यहां थोड़ा सा क्या कि हम इसको नजदीक होने कारण समझ नहीं पाए, जैसे मान लो मैं इसको यहां मान लो, एक इसकी इमेज और समझना, अगर रे आती इसमें समांतर आ रही होगी, रे मान लो इस तरह से आ रही पैरेलल, ये रे आ रही है तो वो तो एफ से जाते हुए निकलेगी, कोई फर्क नहीं है, पर जो सी की तरफ गिरेगी ना सी की तरफ वो ऐसे निकलेगी, तो इसकी इमेज जहां पर भी रे आपकी निकल रही है उनको पीछे बढ़ाएंगे तो इमेज आपकी यहां बनेगी। क्यों सर थोड़ा और आगे फोकस की तरफ, जैसे पीछे जाएंगे वो फोकस की तरफ बढ़ता जाएगा, यानी आप इस तरफ आ रहे हो तो वो पोल की तरफ जाएगा, तो पोल की तरफ यानी इसका जो सेंस बनता है जैसे सेम टू सेम यहां बनता है, तो इसमें जैसे इमेज को आप करेंगे तो इमेज जैसे अगर आप रखें इन्फिनिटी पे तो ऑब्जेक्ट आपका इमेज बनता है कहां पर, एफ पर, और वो छोटा सा, तो आप जैसे इससे पास आएंगे तो इमेज आपकी यहां से बढ़ती चली जाएगी। अब बात अपने पकड़ में आ गई, जब मैं ऑब्जेक्ट को लेके आता हूं इन्फिनिटी से कहां पे पोल तक, तो सबसे पहले इन्फिनिटी पे होने पे इमेज कहां बनेगी आपकी, एफ पर, कैसी है, डायमिनिस्ट है, बहुत छोटी है, पर कैसी है आपकी, वर्चुअल है, आभासी है, सीधी है, छोटी है, और जैसे अपन ऑब्जेक्ट को इस तरफ लेके आएंगे तो इमेज आपकी क्या करेगी, वो एफ से पोल की तरफ ट्रांसफर होगी, उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। पर इन सारी इमेजेस के लिए आप देखो एम जो है कैसा, पहली बात तो प्लस का है, वो एक से छोटा है, आप इसके जस्ट पास लेके आएंगे तो एक हो जाए, बाकी नॉर्मली कैसा हमेशा एक से छोटा होता, पर ये फिक्स है कि इन सब केसेस में कभी भी एम का वैल्यू आपका एक से बड़ा पॉसिबल नहीं है, और माइनस नहीं है, माइनस भी नहीं है। तो यहां देखो इस वाले केस में, क्योंकि वहां जब अपन क्वेश्चन को कैश करेंगे ना, उस क्वेश्चन को कैश करने के लिए, उसको समझने के लिए आपको पहले पता होगा कि पता करना पड़ेगा कि लेंस कौन सा है नहीं है। तो यहां अगर लेंस हमारे पास, सॉरी अगर हमारे पास ये मिरर किस प्रकार का है, कॉन्वेक्स मिरर, तो उसकी सारी रियल ऑब्जेक्ट की सारी इमेज कैसी है, वर्चुअल है, छोटी है, एम का वैल्यू पता लग गया, तो यहां कभी भी इसका एम पहली बार तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है और एक से बड़ा पॉसिबल नहीं है। पर हमने इससे पहले पढ़ा था कौन सा, कौन केव मिरर, वहां हमारे पास एम प्लस का भी था, माइनस का भी था, छोटा भी था, बड़ा भी था, सब का था, और इमेज भी दोनों तरह की थी, रियल भी थी और वर्चुअल भी थी, इसलिए वहां उस वाले केस में उत्तर लेंस वाले में एम प्लस का भी हो सकता था, माइनस का भी हो सकता था, पर इस वाले में एम दोनों प्लस माइनस संभव नहीं है। जैसा कि अभी हम जो उस क्वेश्चन में आए थे, और यहां वाले की बात करोगे तो यहां पर भी देखो इसको यूं अपन इमेज को ऑब्जेक्ट पर पास लेके आएंगे तो इमेज आपकी यहां से छोटी पल यहां बनेगी, फिर इसकी क्या साइज है, इस प्रकार से बढ़ना शुरू होते होते आपका बन जाएगा, इसमें इमेज साइज इस तरफ से प्लॉट जस्ट सेमेस्टर में। तो ये दोनों का अगर व्यू आपको पता लग जाएगा तो फिर देखो उस क्वेश्चन में थोड़ी सी हेल्प कर दो, बाद में सर आपको सॉल्व करवा देता हूं। यहां कह रहा है कि जब एक वस्तु को उत्तल लेंस से 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर रखते हैं तो वस्तु का इमेज इसके मूल आकार का कितना बन रहा है, 3 गुना बन रहा है, इसका मतलब उसका मैग्निफिकेशन जो है ना m, वो हमारे पास क्या 3 है। अब 3 प्लस का है कि माइनस का, वो लिखा नहीं है, ध्यान से पढ़ना, ये लिखा ही नहीं, पता ही नहीं हमको कि m इसका प्लस का है या माइनस का, खुद को पता करना पड़ेगा। पर लेंस कैसा आपका उत्तल है, उत्तल होने पे हमने दोनों बातें बताई थी आपको, इमेज जो पीछे बनी थी कौन सी, एफ और ओ के बीच में लाने पर, सॉरी इमेज कैसी बढ़ी थी, उनका प्लस का 3 आ जाएगा, और जब अपन लेते हैं आप पहले वाले पोर्शन में तो उसका माइनस में भी आपका पॉसिबल है। तो यहाँ एम दोनों पॉसिबल है, प्लस का भी और माइनस का भी है, तो सारा प्लस माइनस खेलना पूरा पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अब सर आप बच्चों को बता दीजिए। तो देखो बच्चों इसमें ये लिखा है कि मैग्निफिकेशन तो 3 टाइम्स है, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। हम लोग यहाँ कहीं मान लेते हैं फोकल लेंथ है इस पॉइंट पर, अगर आप यहाँ पे रखते हो तब भी मैग्निफिकेशन प्लस 3 पॉसिबल है, अगर यहाँ 2f और f के बीच में रखें तब भी मैग्निफिकेशन जो है माइनस का 3 पॉसिबल है, यानी दोनों स्थिति में अगर ये दूरी को आप 8 सेंटीमीटर ले लो, ये वाला डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि दोनों ही कंडीशन में जो इमेज का साइज है वो 3 गुना है, तो फोकल लेंथ जो होगा वो 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर के बीच में ही होगा। बिल्कुल,
तो इसमें अपने को कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल अपने जो स्टडी है जो पढ़ा आपने थोड़ी उसी के बेस पर इसका आंसर आप दे सकते हो। तो बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। देखो, ए थिन ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज ऑप्टिकल पावर ऑफ -5 dB इन एयर, इट्स ऑप्टिकल पावर इन ए लिक्विड मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 विल बी। तो ये तो हम बार बार कर चुके हैं शायद, तो इसमें तो ज्यादा गुलाब नहीं होना चाहिए। पी पावर है कितना आपका 1/f, तो इसकी आवश्यकता है नहीं। फिजिकल तो कितना हो गया सर म्यू माइनस वन, और म्यू भी कौन सा आपका लेंस बाय म्यू मीडियम, और ये आपका कांच से बना हुआ है। तो देखो इसमें अपन लिखते हैं इसका 1/r1 माइनस का 1/r2। तो ए थिन ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज ऑप्टिकल पावर ऑफ -5 dB इन एयर, इट्स ऑप्टिकल पावर इन ए लिक्विड मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 विल बी। यानी आपको तो उसमें रेशियो ही तो करना पड़ेगा सर अब। हाँ। बिल्कुल, जैसे अभी अपन ने पीछे एक क्या था क्वेश्चन सिमिलर उसी तरह से हो गया, अभी तो आपका कांस्टेंट हो गया, इसको आप करें कांस्टेंट। तो P1 P2 के रूप में देख लें सर, या बच्चे कर लेंगे इसको, क्या कर लेंगे कैलकुलेशन का, बस इक्वेशन लिख दें ओनली इसमें। हां बिल्कुल, इसे P आपका प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ओनली क्या म्यू माइनस 1। तो अगर इसको ऊपर लिखें P डैश बाय P इज इक्वल टू, तो क्या लिखूंगा मैं इसका म्यू डैश माइनस का 1 अपॉन कितना म्यू माइनस 1। तो यहां तो आप क्या लेंगे म्यू लेस अपॉन म्यू सराउंडिंग, और ये आपका म्यू लेस माइनस 1, बाकी वैल्यू आपको दे रखी है उनको पुट कर देंगे तो आप आराम से जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन किया था हो जाएगा। देखो तो बढ़ते हैं आगे, ये कुछ एक अच्छा सा प्रश्न देखो लग रहा है। फिगर गिवन बिलो शोज ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जिंग, ये सिर्फ एक बीम ऑफ लाइट है, कन्वर्जिंग बीम लाइट है। अभी ये आपका एक सिंपल कोई ऑप्टिकल डिवाइस है, लेंस है, मिरर है, मालूम नहीं है। तो फिगर गिवन बिलो शोज ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जिंग एट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी पे कन्वर्ज हो रही है। अगर यहाँ पे कोई ऑप्टिकल डिवाइस नहीं होती तो ये कहाँ मिलती, इस पॉइंट मिलती। तो अब मालूम कोई हमारे पास एक मिरर या लेंस है, उससे ये कहाँ मिलती है नहीं है, तो ये एक्चुअली है क्या इंसिडेंट रे है। तो एक तो ध्यान दें आपकी इंसिडेंट रे का कॉमन पॉइंट, एक होता है आपका रिफ्लेक्टेड या रिफ्रेक्टेड का कॉमन पॉइंट। तो इंसिडेंट का जो रियल पॉइंट जो आपका कॉमन पॉइंट होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की नेचर को बताता है, और रिफ्लेक्टेड और रिफ्रेक्टेड होती है वो हमेशा इमेज को बताता है। अगर ये रियल में मिल रही है तो रियल आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कौन सा हो गया, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। तो अगर ये इसके ऊपर मानते हैं यहाँ पर, तो देखो ये हमारे पास u आ गया, और ये इससे अपन u तो कौन सा आ गया, u इज इक्वल टू प्लस का 12 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको और अपन पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को, कि निम्न चित्र में बिंदु P की ओर अभिसरित प्रकाश को दिखाया गया है जब 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या ले रखा, अभी अवतल लेंस ले लिया भाई, और अवतल लेंस की फोकस लेंथ होती है नेगेटिव, तो f is equal to माइनस का 16 सेंटीमीटर। लेंस की प्रकाश पुंज के मार्ग बिंदु O पर इस प्रकार रख दिया जाए कि OP लेंस की अक्ष हो जाए, OP इसकी अक्ष हो जाए, OP इसकी अक्ष हो जाए, तो पुंज लेंस से अक्ष दूरी पर अभिसरित होता है, तो अक्ष का मान क्या होगा। इन लेंस अगर नहीं होता था तब तो 12 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो रही थी, अब लेंस को अपन लगा देंगे तो कहां होगी, ये तो डाइवर्ज करता है शायद, तो और कहीं दूर होगा। तो यहाँ तो चलो ऑप्शन 12 से तो कम, 12 से बड़े हो गए, मान लो 12 से एक ही बड़ा ऑप्शन होता तो फिर बिना कैलकुलेशन के भी टिक कर देते तो अपना काम चल जाता। अगर होता ना सर 12, 4, 8 और 48 होता तो हम 48 को ठोक देते, हमारा आंसर हो जाता, पर यहाँ तो अपने कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। कोई बात नहीं, रहो हमारे पास यू है, हमारे पास एफ है, वी हमको फाइंड करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो 1/V माइनस का 1/ U is equal to कितना 1/F, जिसमें आपको V निकालनी, इसको अपन यहाँ ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 1/U, तो UF और U plus F, यानी V हमारे पास क्या हो जाएगा U into F upon U plus F। अब केवल इसकी वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, तो U सर हमारे पास कितना था प्लस का 12, तो प्लस का 12 है into माइनस का 16, और ये आपका प्लस का 12 है, और प्लस तो माइनस का हो गया 16, तो ये आपके पास आया माइनस का 4, माइनस 4 से उसको अपन तो माइनस का 4 माइनस 1 क्लेंस कैंसिल हो गया, प्लस तो 4 12 * 4 कितना 48, तो इसका आंसर हो गया 4th।
48 सेंटीमीटर। तो एक अच्छा प्रश्न है, नीट के लिए बिल्कुल शानदार प्रॉब्लम है। तो ये तो हमने अभी डिस्कस काफी बात कर लिया है। दो पतले लेंस हैं जिनकी फोकस दूरियां f1 f2 है, संपर्क में रखे गए हैं, तो उसकी फोकस लेंथ 1/f=1/f1+1/f2, आपका एलसीएम f1 f2 आ गया, उल्टा पुट्टा कर दो, इसका आंसर आपका सेकंड आ जाएगा। ओके, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन। देखो ये सर आपका क्वेश्चन आ गया, देखो आप इस पे तो फार्मूला ही पूछ रहा है बच्चों। हां, फार्मूला फॉर डिस्पर्सिव पावर, तो क्या होता है, μv - μr डिवाइडेड बाय μ - 1, हम लोग ओमेगा को ऐसे लिखते हैं। बिल्कुल, हमने इसको बच्चों को सिखाया भी आपने पूरा। हां, डेल्टा v - डेल्टा r / डेल्टा y, और ये हो जाएगा जब आप सॉल्व करोगे तो μv - μr μy - 1, क्योंकि डेल्टा को हम लोग क्या लिखते हैं, μ - 1 अगर v है तो μv - 1 * a आएगा, इसमें फिर a आएगा, a तो कैंसिल हो जाएगा सॉल्व करके ऐसा। बिल्कुल, तो ये एक तरह से एवरेज कलर जो होता है ना येलो, उसका होता है, बाकी ये आपका वायलेट और रेड का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि प्रकाश की प्रकीर्णन या जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, तो उसमें सही कथन का अपने को चयन करना है। तो रेले स्कैटरिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लूइस अपीयरेंस ऑफ स्काई, बिल्कुल ठीक है। और फिर कह रहा है इसमें रेले स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ^4 व्हेन द साइज ऑफ द स्कैटर इज मच लेस देन दिस, बिल्कुल ये ठीक है। तो इसमें स्कैटर तो है उस λ^4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बच्चों याद रखना होता है, अच्छे कर लेते हैं। बादलों में जल की बूंदें होती हैं तो सभी लैम्डा को समान रूप से स्कैटर करती हैं, अतः प्राय सफेद दिखते हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो सारे ठीक हैं, तो सारे ऑप्शन सही हैं। बिल्कुल, ये बच्चों याद ही करना भी। और इसमें अभी हमने डिस्कस किया था जो इंटेंसिटी जो होती है वो तो कितनी होती है सर, आई प्रपोज टू 1/λ^4। तो इससे अपन देखें तो हमारे पास, हमको तो लैम्डा का पूछा है रेशियो, तो लैम्डा को हम क्या कर दें, लैम्डा हो गया आपका प्रोपोर्शन टू 1/i^4, ऐसा कुछ है क्या। तो देखो भाई इसमें हम लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आती है इसकी लैम्डा की, तो लैम्डा 1/λ^2 = हो गया i^2/i^1, इसकी पावर कितनी 1/4। तो आपको दे रखी इसमें इंटेंसिटी रेशियो 1/4, तो 4/1 इसका है कितना 1/4, रूट 2/1। बिल्कुल, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 2^2 / 1 / 2 / 1 और इसकी पावर है कितनी 1/4, ये पावर इस पर भी है इस पर भी, तो ये कट गया, इसमें कितना आ गया 1/2 आ गया, 2^1/2 / 1 का तो पावर 1 ही होता है इसका, इसका मतलब आपको मिला इसमें कितना 2^1/2 / 1, ये कितना रूट 2 होता है, तो रूट 2/1 ये इसका आंसर आपका आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर सेकंड, क्यों सर। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि गुरुनृत्य आपकी 43 जस्ट आपके सामने, अब दो 44 और 45 दो इसके एपिसोड हो रहे हैं, बाकी हमने सारा आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं 45 का बहुत ही शानदार कलेक्शन आपके सामने आ रहा है, जिसमें से 43 आपको आज मिल रहा है, तो इसको एंजॉय करें, अच्छे से क्वेश्चन करें, और समय जैसा भी चल रहा है उसको अपनी पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जो भी अपने शुभ चिंतक हैं उनके लिए शानदार बनाएं, अच्छा करें। और इसी के साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। ओके, थैंक यू, जय सी एल सी, जय सी एल सी, ओके।